जय श्री राम, जय भाग्य श्री राम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटो सक्सेस में। दोस्तों आज हम आपको मिर्ची का एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं, इसका टोटका बताने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही पावरफुल है दोस्तों। और इस मिर्ची के टोटके को यदि आपने कर लिया तो आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं हैं जो कि शत्रु ने मचा रखी है, शत्रु ने जो आपके जीवन में आपका जीना हराम कर रखा है, आपका खाना हराम कर रखा है, आपका सोना हराम कर रखा है, आपका चैन छीन रखा है, वो सारा का सारा दोस्तों यहाँ पर इस टोटके से उस शत्रु की बर्बादी होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों कई लोग कहते हैं कि इस तरह के वीडियो जो होते हैं वो दूसरों के लिए घातक होते हैं। बिल्कुल होते हैं दोस्तों, दूसरों के लिए घातक, लेकिन इसका सदुपयोग किया जाए तो ये दूसरों के लिए फायदेमंद भी होते हैं। क्योंकि यदि शत्रु हमारी औरतों पर बुरी नज़र डालता है, हमारे घर पे हमारी संपत्ति को लूटने की कोशिश करता है, हमें घर से बाहर निकाल देता है और हमारी प्रॉपर्टी को लूटने की कोशिश करता है, हमारी जान पे लेने की कोशिश करता है, तो दोस्तों उस व्यक्ति के लिए इस तरह के उपाय करना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि अपनी आत्मरक्षा के लिए किया गया बचाव किसी तरह की यदि उसमें किसी की जान भी चली जाए सामने वाले की, तो फिर वो जान लेना नहीं कहता, उसमें कोई पाप नहीं लगता है। क्योंकि सामने वाला यदि हमें काट रहा है तो फिर हम भी हमारी रक्षा के लिए तो उसको मार ही सकते हैं। तो दोस्तों इसमें कोई दोराय नहीं है कि आप, कोई शक नहीं है कि आप इस तरह के टोटके ना करें। क्योंकि आपको यदि दुख मिलता रहेगा और आप यदि परेशान होते रहेंगे तो अपनी ज़िंदगी में आप कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। तरक्की करते हुए भी आप तरक्की से पीछे हट जाएंगे दोस्तों। तो ये जो उपाय है ना, ये इसी तरह से बताए जाते हैं। लेकिन हाँ, इस उपाय को आप केवल उन्हीं व्यक्ति के लिए प्रयोग करें, उन्हीं लोगों के लिए प्रयोग करें जो आपके वास्तविक शत्रु हैं। छोटी से मोटी अदावत या छोटी मोटी रंजिश के लिए इस तरह के प्रयोग करना वर्जित है दोस्तों, ये इस तरह के प्रयोग नहीं करने चाहिए। लेकिन हाँ, यदि वो सामने वाला व्यक्ति वास्तव में आपका दुश्मन है, आपके ऊपर चढ़ रहा है, आपके ऊपर सब कुछ कर रहा है, बेकार कर रहा है, आपका जीवन व्यर्थ बना रहा है, आपको आते जाते परेशान करता है, आप ऑफिस जाते हैं तो आपको बॉस के सामने नीचा दिखाता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पड़ोसी होते हैं दोस्तों। ज़्यादातर देखा गया है कि जो पड़ोसी होते हैं वही शत्रु निकलते हैं। ज़्यादातर पड़ोसी शत्रु क्यों निकलते हैं? क्योंकि वो ईर्ष्या भाव रखते हैं। आजकल कलयुग में दोस्तों जो शत्रु है वो घास की तरह बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह से सावन में बारिश के बाद घास पड़ जाती है, उसी तरह से इतने शत्रु आपके आसपास हो जाएंगे कि आप ये भी नहीं सोचेंगे। एक शत्रु बनता है ना तो एक शत्रु दूसरे को बना देता है, दूसरा तीसरे को बना देता है, तो एक गुटबाजी हो जाती है शत्रुओं की। मान लीजिए कोई आपसे कोई व्यक्ति नफरत करता है तो वो दूसरे को भी नफरत पर लगा देगा, आपके खिलाफ वो नफरत करेगा, फिर वो तीसरे को भी लगा देगा, तो इस तरह से उनका एक ग्रुप बन जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से जो लोग होते हैं वो गुटबाजी में आपके निरंतर शत्रु बनते चले जाते हैं। अब इस तरह के शत्रुओं से 1000 शत्रु हो गए, 100 शत्रु हो गए, तो इस तरह के शत्रुओं से छुटकारा किस तरह से पाया जाए, तो आज वही मिर्ची वाला उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो शत्रु की मिर्ची लगा देगा दोस्तों। और इतना खतरनाक उपाय है कि आपने इसको कर लिया ना एक बार तो फिर उस आप कभी भी शत्रु से पराजित नहीं होगे, शत्रु से आपकी रक्षा ही होती रहेगी। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ही खास वीडियो होने जा रहा है। और दोस्तों इस वीडियो को यदि आप बागेश्वर धाम सरकार, बालाजी सरकार की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आपके एक लाइक से आप पर बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा जरूर होगी। और लाइक करने के साथ साथ ही दोस्तों नीचे भगवान बालाजी का जयकारा, भगवान श्री राम का जयकारा जरूर लगाएं, क्योंकि हम सनातनी, हम आगे बढ़ना चाहते हैं और हम हमारे जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत तरक्की करना चाहते हैं। तो दोस्तों लोग तो 108 बार, 1008 बार भगवान श्री राम का नाम लिखते हैं, हम एक बार तो लिख ही सकते हैं। तो इसलिए बालाजी सरकार की कृपा जरूर आप पर बरसेगी। आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। देखना आपको बहुत पॉजिटिव वाइब सुनेगी दोस्तों, बहुत आपको आनंद की प्राप्ति होगी। आप लिख करके देखिए एक बार और लाइक करके देखिए वीडियो को। दोस्तों इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा पुण्य फल आप प्राप्त करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस वीडियो को पुण्य फल प्राप्त करें। अब दोस्तों आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से ये कार्य करेगा। दोस्तों ये जो टोटका होता है, इस टोटके में आपको क्या करना है कि आपको 2 लाल मिर्च लेनी है। अब लाल मिर्च कौन सी लेनी है दोस्तों? सूखी लाल मिर्च आपको लेनी है। सूखी लाल मिर्ची जिसमें पीछे पूंछ हो, जिसमें पीछे बीट हो, मिर्ची का जो हरे कलर का बीट होता है वो भी होना चाहिए। आजकल डांडी चूटी मिर्ची मिलती है, मतलब कि जिनके पीछे जो डंडी होती है, जो हरे कलर का बीट होता है, हरे कलर की वो डंडी होती है, उसको तोड़ दिया जाता है और वो वाली मिर्ची आजकल बाजार में मिलती है। तो आपको ध्यान करके यही लानी है, जो लंबी डंडी की जो मिर्ची होती है जिसमें पीछे हरी कलर की पूरी डंडी हो, वही मिर्ची आपको लानी है। इसमें कितनी मिर्चियों की आवश्यकता होगी? इसमें केवल 2 सूखी लाल मिर्च की आवश्यकता होगी जिसमें बीज बज रहे हो। आप उसको बजा करके देखिए, उसमें बीज बजने चाहिए। बस आपको इस तरह की मिर्ची आपको लानी है। अब आप क्या करेंगे, अब इसके बाद आपको एक लाल कलर का मार्कर लेना है। दोस्तों मार्कर पेन कई तरह के कलर के आते हैं, लाल भी आता है, हरा भी आता है, काला भी आता है, लेकिन आपको आज लाल कलर के मार्कर का प्रयोग करना है, लाल कलर का पेन आपको प्रयोग करना है। यदि आपके पास लाल कलर का मार्कर नहीं है तो आप सिंदूर का प्रयोग भी कर सकते हैं। सिंदूर जो होता है
ये जो लाल कलर का जो सिंदूर होता है जिससे स्त्रियाँ अपनी मांग में भरती हैं, उस तरह का सिंदूर उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आप कुछ भी करिए, आप या तो लाल कलर का मार्कर ले आइए बाजार से, या फिर आप सिंदूर जो आपके घर में है अवेलेबल उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। आप दोस्तों इसको करना कैसे है ध्यान से समझिएगा। दोस्तों आपको अपने दुश्मन का नाम तो पता ही होगा, मान लीजिए आपको अपने दुश्मन का नाम पता है तो एक मिर्ची पर आपको अपने दुश्मन का नाम लिखना है, शत्रु का नाम लिख देना है। और मैं एक मंत्र में अब आपको बताने जा रहा हूँ, वो मंत्र आपको 9 बार बोलना है। अब आपको बैठना कैसे है, आप अपने कमरे में आसन बिछाइए और दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठ जाइए। दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठने के बाद आपको मिर्ची लेनी है, सामान पूरा आपको अपने पास रख लेना है, एक प्याली में या प्लेट में, एक प्लेट में स्टील की प्लेट में आप अपना सामान रख लें, कांच की प्लेट में भी रख सकते हैं। तो वहाँ बैठ करके दक्षिण दिशा में मुंह करके आपको क्या करना है, शत्रु का नाम एक मिर्ची पर लिख लेना है। उसके बाद दूसरी मिर्ची पर आपका शत्रु की माता का नाम लिख लेना है। आपको एक लाल धागा भी लेना होगा, एक लाल धागा या कोई लच्छा आप ले लीजिए, मोली ले लीजिए या आप लाल धागा ले लीजिए, दोनों में से कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या लिखें, दूसरी मिर्ची पर शत्रु की माता का नाम लिखें लाल पेन से या फिर आप लाल कलर के सिंदूर से, ठीक है। अब दोनों मिर्ची को आपको उस मोली या धागे से आपको लपेट लेना है, और जिस समय आप लपेट रहे हैं उस समय आपको यह मंत्र पढ़ना है। यह मंत्र दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी यह मंत्र आपको मिल जाएगा। और यह मंत्र जो है आपको 9 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मिल ही जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यदि आपको समझ नहीं आता या फिर कितनी बार मैं भूल जाता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालना, तो आप टेलीग्राम चैनल पर आ जाएं, वहाँ पर आपको इस वीडियो के जस्ट नीचे वो मंत्र जो है पूरा कंप्लीट आपको मिलेगा। दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का फायदा ये, एक तो फ्री में है, हम किसी भी तरह का कोई पैसा अपने यूजर्स से, अपने जो भक्तजन है उनसे बिल्कुल भी नहीं लेते, हमारी संस्था बिल्कुल फ्री में काम करती है। तो आप क्या करें कि धागे से लपेट लें, उसके बाद ये मंत्र पढ़ें। अब ये मंत्र कहाँ मिलेगा आपको, टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल पर आपको हमेशा आपके पास रहेगा मंत्र, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का फायदा यही है, हमेशा कोई भी टोटका आपके पास रहेगा और आपको ढूंढने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपको दोबारा भी देखना है वीडियो तो आराम से उसमें टेलीग्राम चैनल में डाला हुआ है मैंने, वहां से आप देख सकते हैं, और मंत्र उसके जस्ट नीचे, तो आप मंत्र भी आराम से पढ़ सकते हैं, तो इतना फायदा आपको मिलता है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस मंत्र को आपको 9 बार पढ़ना है जब आप मिर्ची बांध रहे होंगे। तो मंत्र क्या पढ़ना है, अमुक हन हन स्वाहा, आपको ये मंत्र पढ़ना है, मंत्र पढ़ना है अमुक हन हन स्वाहा। ये अमुक की जगह आपको शत्रु का नाम बोलना है, जैसे मान लीजिए शत्रु का नाम अजय है तो आप क्या बोलेंगे, अजय हन हन स्वाहा। कितनी बार बोलेंगे, ये आप बोलेंगे 9 बार, तो आपको 9 बार बोलना है अजय हन हन स्वाहा, अजय हन हन स्वाहा, यदि आपके शत्रु का नाम अजय है। यदि आपके शत्रु का नाम कोई दूसरा है तो आप अजय की जगह दूसरा शत्रु लगा लीजिए। अच्छा, आप कई भक्तजन ये बोलते हैं कि गुरु जी हमारे तो हमारे शत्रु का ही पता नहीं है, हमारा शत्रु तो गुप्त शत्रु है, क्योंकि हमारा शत्रु तो पीठ पीछे वार करता है, हमें पता ही नहीं लगता कि हमारा शत्रु कौन है। और कई भक्तजन ये बोलते हैं कि हमारे शत्रु का तो पता है लेकिन एक से ज़्यादा शत्रु हैं, अब एक मिर्ची पे तो एक ही शत्रु का नाम लिखा जा सकता है, तब आप इस तरह उसको किस तरह से टैकल करेंगे। तो आपको वहाँ पर मिर्ची पर, एक मिर्ची पर आपको शत्रु नाश लिखना है और दूसरी मिर्ची पर भी आपको शत्रु की मान का नाश लिखना है, इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। तो आप क्या लिखें, या तो आप दोस्तों एक मिर्ची जो लें, एक मिर्ची पर आप लिखें शत्रुनाश और दूसरी मिर्ची पर भी आप लिखें शत्रुनाश और दोनों को बांध दें, ठीक है, एक टोटका इस तरह से हो जाता है। और यदि आप ऐसे लिखना चाहते हैं एक मिर्ची पर आप शत्रु और दूसरी मिर्ची पर शत्रुनाश, तब भी ये टोटका काम करता है, तब किसी भी तरीके से कर लीजिए, है ना। आपके यदि एक से ज़्यादा शत्रु हैं या फिर आपको शत्रु का नाम पता नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, एक मिर्ची पर शत्रु लिखेंगे, दूसरी मिर्ची पर शत्रुनाश लिखेंगे, दोनों को बांध देंगे। बांधते समय आपको ये मंत्र पढ़ना पड़ेगा, शत्रु हन हन स्वाहा। तो ये अमुक शत्रु हन हन स्वाहा, अमुक शत्रु हन हन स्वाहा आपको 9 बार पढ़ना है। 9 बार पढ़ने के बाद आपको इसको मिर्ची को या तो कपूर आप जलाएं, कपूर से आग लग जाती है तो कपूर जलाएं, कपूर से थोड़ा जल जाएगी मिर्ची वगैरह, तो आपको ये पूरी मिर्ची जला लेनी है, ठीक है। डंडी वाली मिर्ची होनी चाहिए, इसका लच्छा और सिंदूर वगैरह ये सब जल जाने चाहिए, जो आपने नाम वगैरह लिखा था, पूरी मिर्ची जो है अच्छी तरह से जला दें, या फिर आप गैस चूल्हे पर भी इसको जला सकते हैं, या फिर आप लकड़ी जला करके भी इसको जला सकते हैं, किसी भी तरह से इसको जला लीजिए। और जलाने के बाद आप क्या करेंगे, इसकी जो राख बजेगी उसको आप पुड़िया में बांध लेंगे कागज में। दोस्त ये उपाय आपको कब करना है, ये उपाय आपको मंगलवार के दिन करना है, मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं और मंगलवार की सुबह भी कर सकते हैं, इसको कभी भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको कभी भी करें, या तो आप मंगलवार के दिन करें, सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, कभी भी इस उपाय को करें। उसके बाद क्या करें कि इस मिर्ची को जला करके आपको इसकी जो राख है वो लेकर के पुड़िया में बांध करके बाहर जाना है, किसी निर्जन स्थान पर जाना है, या फिर आप निर्जन स्थान पर नहीं जाते, आपके आसपास कोई गंदा नाला बह रहा हो तो वहाँ पर जाना है,
गंदा नाला बह रहा है तो आप गंदे नाले पर इस पुड़िया को डाल सकते हैं, फेंक सकते हैं, है ना। और उसमें शत्रु का नाम आपको बोलना होगा। और यदि आप गंदे नाला आपके आसपास नहीं है तो आप निर्जन स्थान पर जाकर मिट्टी में गड्ढा खोदें और वहाँ पर इसकी राख को, पुड़िया खोलें, पुड़िया खोल करके इसकी राख को उसमें दफन करके वापस से इसको मिट्टी को दबा करके और वापस आ जाएं। तो दोस्तों आपको घर पे बिल्कुल सीधे आना है, इधर उधर नहीं देखना, किसी से बातचीत नहीं करनी, और घर पर आकर के थोड़ा सा आपको पानी के छींटे डालने हैं, थोड़ा स्वच्छ हो जाना है और फिर घर में अंदर घुसना है। बस आपका कार्य हो गया दोस्तों, आपका जो शत्रु है वो बुरी तरह से नष्ट हो जाएगा। आप ये उपाय जरूर करके देखिए, बहुत ही जबरदस्त उपाय है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर